अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है हेयर ग्रोथ के बारे में। होम रेमेडी लेके आई हूँ मैं आपके लिए और बहुत ही बेस्ट है। दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, एक तो कोकोनट ऑयल और दूसरा एलोवेरा जेल। दोनों ही कमाल की चीज़ें हैं और जो कि बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और इसके अलावा भी ये जो कोकोनट ऑयल है, ये इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं बालों के अलावा भी। ये बालों की खुश्की को ख़त्म करता है। और ये जो एलोवेरा जेल है, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। कहीं भी आप देख लें, इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाता है। और कोकोनट ऑयल भी बेस्ट है पर ये बालों के लिए, जो बालों में डैंड्रफ हो जाती है उसको कम करता है। और वैसे भी स्किन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और बालों में जो खुश्की होती है, इसकी मालिश अच्छी तरह बालों को करेंगे तो इससे सर की खुश्की जो है वो, ख़ारिश भी ख़त्म हो जाती है और खुश्की भी ख़त्म हो जाती है कोकोनट की। और इसके अलावा ये जो जब गला ख़राब होता है तो भी ये कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत बेस्ट है। इसके अलावा जो है एलोवेरा जेल है वो भी बहुत बेस्ट है बालों के लिए भी, और बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसके लिए, उसको कंट्रोल करता है। ये भी डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है एलोवेरा जेल जो है। ये बालों के लिए भी बहुत बेस्ट है और ये स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो आज दोनों ही जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ करने हैं इसमें, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, बहुत बेस्ट है। और पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये कोकोनट ऑयल का मैं 1 टीस्पून लूँगी, ठीक है? और एक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, बालों की वॉल्यूम के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मेरे बालों का वॉल्यूम इतना नहीं है इसलिए मैं इसको कम बनाऊंगी। और आप एक जो है वो टीस्पून जो है वो आप एलोवेरा जेल लेंगे, ठीक है? और दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह इसको जब यकजान हो जाएंगे ये दोनों, अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं, तो उसके बाद जो है वो आपने अपने बालों पे इसको अप्लाई करना है। बालों पे कैसे अप्लाई करना है इसको आपने, आपने अपने रूट्स पे लगाना है, ठीक है? फिंगर टिप्स की मदद से आपने अपने इसको रूट्स पे लगाना है। ऐसा ऐसा मांग निकाल के खुद लगा लें या किसी से लगवा लें आप, तो मांग निकाल के आपने अच्छे से बालों के रूट्स पे और बालों के एंड पे लगाना है। क्योंकि जो दो मुंह बाल हो जाते हैं उसका भी ये बेस्ट जो है वो हल है, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। और आप स्कैल्प पे लगाओगे बालों की तो वो भी बहुत अच्छा है। मांग निकाल लें, ये देखेंगे जेल फॉर्म में बन गए, ठीक है? इस तरह से आपने इसको अच्छे से 2 मिनट्स के लिए आपने इसको मिक्स करने में लगाना है। और इस तरह आपने इसको लेना है, अपने फिंगर की मदद से ही लेना है। मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ, यूँ 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 करके अपने बालों पे, स्कैल्प पे मालिश करनी है इसको अपनी फिंगर टिप्स की मदद से। बालों पे आपने यूँ यूँ करके मालिश करनी है। ये मालिश करने का तरीका, मकसद ये है कि आपके ये जो एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल जो है वो आपके बालों के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, दोनों चीज़ें जज्ब होंगी, फिर इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फिर ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप इसके ऊपर ऊपर लगा लेते हो, कहीं लगाए कहीं नहीं लगाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।